मंत्री नवाब मलिकांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे। प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चौकशी अपूर्ण असल्याने ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे। मलिकांच्या कोठडीत आता 7 मार्च पर्यंत ही वाढ करण्यात आली आहे, त्यामुळे 7 मार्च पर्यंत नवाब मलिक यांना ईडी कोठडीतच राहावं लागणार आहे। नवाब मलिक यांची ईडी कोठडी वाढवण्यात आली आहे। युक्तिवाद झाला या सगळ्या प्रकरणावर दोन्ही बाजूंनी आणि त्यानंतर मलिकांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे। प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चौकशी अपूर्ण असल्याचं ईडीने यावेळी सांगितलं आणि हेच कारण डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे 7 मार्च पर्यंत नवाब मलिक यांना ईडी कोठडीतच आता थांबावं लागणार आहे। त्यामुळे नवाब मलिक यांचा ईडी कोठडीतला मुक्काम आणखी वाढलाय। नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत आता वाढ झाली आहे, त्यामुळे मलिकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे। 7 मार्च पर्यंत त्यांना ईडी कोठडीतच थांबावं लागणार आहे। प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चौकशी अपूर्ण झाली असल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला आणि त्यामुळे आता त्यांना ईडी कोठडी वाढून देण्यात आली आहे नवाब मलिक यांना 7 मार्च पर्यंत। तर नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी नेमकं काय म्हटलंय ते पाहूयात। सर आज क्या कुछ ईडी ने कोर्ट को बताया और किन ग्राउंड्स पर नवाब मलिक की कस्टडी? आज नवाब मलिक साहब की तरफ से एडवोकेट अमित देसाई ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले बार के रिमांड में और आज के रिमांड में कोई खासा फर्क नहीं है। सिर्फ एक बात पे उन्होंने विशिष्ट रूप से टिप्पणी करने का काम किया कि पिछले बार ईडी ने कहा था कि 55 लाख रुपए का व्यवहार कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब की कंपनी और हसीना पारकर जी की कंपनी के बीच में हुआ था और आज के रिमांड में कहा गया है कि 55 लाख का नहीं था, वो केवल 5 लाख रुपए का था। कंफ्यूजन अगर ईडी में है 50 लाख 55 लाख या 5 लाख का, उसके कारण अगर महाराष्ट्र के मंत्री को जेल के अंदर जाना पड़ता है तो ये राजनीतिक तौर पर की गई केस है। ऐसी इस प्रकार की दलीलें वहां पर रखी गई और ईडी की तरफ से वहां पर कहीं ना कहीं पे आर्ग्यूमेंट किया गया कि नवाब मलिक साहब बीच में 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज थे और हम लोगों को स्टेटमेंट लेने में वहां पे पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए उनकी कस्टडी को एक्सटेंड किया जाए। इसी के कारण आने वाले 7 मार्च 2022 तक उनकी कस्टडी सोमवार तक एक्सटेंड की गई। ईडी की इस मिस्टेक को लेकर आप लोग क्या कुछ करने वाले, क्योंकि पहले 55 लाख बताया गया और कस्टडी की मांग की गई, बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ 5 लाख था। निश्चित रूप से नवाब मलिक साहब की तरफ से भी इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। कुछ चीजें जब सबजुडाइस होती है तो उनको पूरी तरीके से मीडिया में मीडिया ट्रायल के तौर पर बताना उचित नहीं होता, इसलिए उस विषय पर ना पूछे तो ये अच्छा है। तो हमारे साथ नवाब मलिक जी वकील थे जिन्होंने बताया कि 55 लाख का कैसे 5 लाख हो गया। कैमरामैन अनिल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।